नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ सत्येंद्र ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके आया हूँ सोना के शिव मंदिर में। इस मंदिर में एक कुंड है जिसमें हमेशा सल्फर का गर्म पानी निकलता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से आपके शरीर के सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो क्या है इस कुंड की और धार्मिक मान्यता, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो वीडियो में जुड़े रहें ताकि आपको ये जानकारी अच्छे से मिल सके। दोस्तों अभी मैं आपको कुंड की तरफ ले चल रहा हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये वो कुंड है जिसमें सल्फर का गर्म पानी निकलता है। यहाँ तक इसकी तो कह सकते हैं भाप आ रही है और इसी पानी से स्नान करने से आप सबके शरीर के चर्म रोग दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर आएँ आप लोग ताकि इस पानी का आप भी लाभ ले सकें। आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी लोग स्नान कर रहे हैं और इस स्नान साइड में भी यहाँ पर भी कुंड से पानी निकलता है जिससे कि लोग स्नान कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ स्नान के कुछ चार्जेस रखे गए हैं ताकि लोग स्नान का लाभ ले सकें, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। दोस्तों अब मैं आपको शिव मंदिर की तरफ लेके चलता हूं, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता है कि ये भी शिव कुंड जब निर्माण हुआ था तभी से यहाँ पर उपस्थित है। तो आप भी दर्शन का लाभ लीजिए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, साथ ही शिवलिंग के साथ में जो अन्य मंदिर हैं उनके भी आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों सोना गांव गुड़गांव से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहीं दिल्ली से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है और आप यहां प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी से भी इजिली पहुंच सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये मंदिर शोहना में स्थित है, जो कि गुड़गांव के पास में ही है और ये शोहना अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। तो आप मेरे पीछे ये पहाड़ियों का व्यू भी देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनके बीच में ये सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर पता रहें।
दोस्तों ये था सोना का प्रसिद्ध मंदिर जो कि मैंने आपको दिखाया। अगर आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।